मैंने हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डालिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक भर के चम्मच जीरा। जीरा से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। थोड़ा सा हम दालचीनी एक स्टिक डालेंगे, कुछ तेज पत्ती की पत्तियां डालेंगे, दो हम इसमें बड़ी वाली इलायची डालेंगे और 10 से 12 कली लौंग का डाल देंगे। अच्छे से हम इसे चटका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी फोड़न जो है वो चटक चुकी है। इसमें हम डालेंगे ढेर सारा प्याज और तो फ्रेंड्स, प्याज के साथ ही हम इसमें डालेंगे खड़ा लहसुन और हरी मिर्च, क्योंकि इसमें खड़े लहसुन का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। आप चाहें तो इसे दरदरा चूर के भी डाल सकते हैं, पर इसका टेस्ट ऐसे ही हमें अच्छा लगता है। हम प्याज लहसुन को अच्छे से भूनेंगे, यानी कि बिल्कुल ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारी प्याज लहसुन जो है भून चुकी है। साथ में हम डालेंगे ढेर सारा टमाटर। टमाटर से इसकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है। तो हमने यहाँ पे रफली सर्व करके डाला है, क्योंकि चने दाल के साथ ही अच्छे से गल जाएगा और एक एक फ्लेवर सोयाबीन में अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे टमाटर के साथ में ही हम डाल लेंगे कुछ स्पाइसेस, यानी कि मसाला। तो हमने लिया है 2 बड़ा चम्मच धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शॉर्ट ले रखा है। साथ में हम सभी मसाले डाल देंगे और उसे भी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे चलाते हुए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टमाटर, प्याज, लहसुन, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे चना दाल, जिसे हमने 6 घंटा पहले भी मोया था और अच्छे से वाश भी कर लिया है। इसे हम पानी में छोड़ देंगे और मसालों के साथ इसे भी 2 मिनट तक ऐसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा चना दाल भी मसाला के साथ अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे सोया बीन बड़ी, इसे सोया सैंडी कहा जाता है। तो इसे हमने गर्म पानी में सोख करके अच्छे से धो लिया है और एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लिया है। अब हम बड़ी डाल के इसे भी 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। भूनने में आपको तहाई मत कीजिएगा, तभी अच्छे से इसका टेस्ट उभर के आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सोयाबीन बड़ी भी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें इतना ही डालना है जितने में हमारी सब्जियां अच्छे से डूब जाए। इससे एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो ग्रेवी गाढ़ी नहीं होगी, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके और लीड लगा के 5 से 6 भीसी तेज फ्लेम पर पका लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने चना दाल और सोयाबीन की सब्जी में 5 भीसी मरवा लिया है। हम प्रेशर को निकलने के बाद आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं कि हमारी चना दाल और सोयाबीन चनबड़ी की सब्जी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे कुकर से प्रेशर निकल चुका है। हम अपनी सब्जी को ओपन करके दिखाते हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारी सब्जी। चलिए इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। गाइस, आपने देख लिया चना दाल और सोयाबीन की एकदम चिकन मटन जैसी सब्जी हमने बना के तैयार की है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।